नमस्कार, मैं हूं जुलेखा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं कि किड न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों के साथ। खबर औरैया जनपद से है, जहां उद्यमिता के क्षेत्र में प्रदेश के पटल पर लाने को जिलाधिकारी पीसी श्रीवास्तव ने मुहिम चलाई है। बता दें, जिलाधिकारी औरैया ने शहर में उद्यमियों के साथ इन्वेस्टर्स रोड शो निकाल कर उसमें जोश भरा, जिसमें जिले के उद्यमियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसके साथ ही आज जिला मुख्यालय पर जिला स्तरीय इन्वेस्टर समिट की बैठक भी आयोजित की गई। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश शासन की एक मंशा है कि सारे देश के, विदेश के और अपने गांव से भी, इवन अगर किसी के पास धनराशि है तो वो आगे बढ़े, अपना खुद का उद्योग लगाए, खुद का व्यवसाय करे, खुद का एग्रो सेक्टर में कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट करे। इसके लिए 10 से 12 जो फरवरी को लखनऊ में एक इन्वेस्टमेंट समिट की जा रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग विनियोग करें। इसके लिए तमाम माननीय मंत्री जी लोग, माननीय मुख्यमंत्री जी भी, तमाम हमारे अधिकारी, मुख्य सचिव, सभी लोग विभिन्न देशों में, प्रदेशों में गए हैं और वहाँ से लोगों को प्रेरित किया है कि अब उत्तर प्रदेश का ऐसा माहौल है, इतना हमने रोड का जाल बिछा दिया, इतना हमने एयरपोर्ट कर दिया, इतने भयमुक्त वातावरण कर दिया कि आप आइए और यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करिए। इन्वेस्टमेंट से आशय केवल उद्योग लगाने से नहीं है। एग्रो सेक्टर यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई ये जैविक खेती करना चाहता बड़े पैमाने पे, कोई आवास बना करके बेचना चाहते हैं, जो इसको हम लोग रियल सेक्टर बोलते हैं, रियल इस्टेट बोलते हैं, तो यानी कोई पेट्रोल टंकी लगाना चाहता है, कोई बढ़िया ढाबा का एक श्रृंखला खोलना चाहता है, तो किसी भी क्षेत्र में अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म, एक हमने सारथी निवेश सारथी करके पोर्टल यूपी गवर्नमेंट ने बनाया है, उस पर वो रजिस्ट्रेशन मात्र कर दे किस क्षेत्र में कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसके बाद उनकी जिम्मेदारी, उनको फैसिलिटेट करने की जिम्मेदारी, उनकी कहीं भी कोई दुश्वारी आ रही है, कठिनाई आ रही है लाइसेंस लेने में, लोन लेने में या किसी तरह के भवन के निर्माण में, तो वो यूपी गवर्नमेंट यानी हम लोग उसको पर्दे के पीछे से। खबर झारखंड के बोकारो से है, जहाँ स्वदेशी जागरण मंच ने 19वां इस्पातांचल स्वदेशी स्वावलंबन मेले का आयोजन किया। बता दें, मेले का शुभारंभ भारत माता की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर और महात्मा गांधी की तस्वीर के पास दीप प्रज्वलित कर किया गया। वही कार्यक्रम का संचालन मंच के प्रांत संपर्क प्रमुख अजय चौधरी दीपक ने किया। आपको बता दें, मेले का आयोजन वीर सम्राट सिंह सभागार में किया गया। अगली खबर भी झारखंड के बोकारो से है, जहां प्रदेश के नेतृत्व पर सवाल उठाने पर डॉक्टर पी नायर को पार्टी आला कमान ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। इस दौरान बोकारो कांग्रेस जिला अध्यक्ष उमेश गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि डॉक्टर पी नायर को आला कमान द्वारा पार्टी से निकाला गया है, न कि उन्होंने खुद इस्तीफा दिया। उन्होंने 14 जनवरी को लेटर भेजा था जिसका जवाब संतोषजनक नहीं था, उसी के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। आला कमान का जैसा आदेश हुआ उस तरह से हमने किया। ये जो भी हुआ है, देखिए, वो प्रदेश नेतृत्व और आला कमान का नेतृत्व है, उसके आधार पर और उसके आदेशानुसार हमने किया है। जिला का प्राथमिक सदस्यता था और प्राथमिक सदस्य को हमने रद्द किया है। जवाब दिए थे, जवाब उनको मांगा गया था कि क्यों ना आपको पार्टी से निष्कासित किया जाए, जिस तरह से प्रदेश नेतृत्व पर आप टिप्पणी और उंगली उठा रहे हैं, यह अधिकार आपका नहीं है। तो जवाब संतोषजनक नहीं दिए थे, उस पर जो सिस्टम है, जो कार्य होता है, उसको हमने से जो। खबर पीलीभीत से है, जहां विकासखंड अमरिया के ग्राम देवा कुलारा में ग्रामीणों ने अवैध खनन को लेकर धरना प्रदर्शन किया। बता दें, ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 7 दिनों से भारी मात्रा में पोकलैंड, जेसीबी और डंपरों द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है, जिसमें हमारे खेत भी शामिल हैं। वहीं ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर खनन रुकवाने की कोशिश भी की। इस पर खनन माफिया ग्रामीणों को जान से मारने की धमकी देने लगे। नदी से जो है, ये मेहरवान नगर गांव देहवा जो है बरसों से पीड़ित रहा है, और भी जो है, जो नदी जो है बड़ी मुश्किल से इसको रोका गया है और वो दूर हटी है, तो जो है ये खनन के माध्यम से इन दोनों गांव का जो है अस्तित्व ही मिट जाने का जो है खतरा इस टाइम जो है साफ नजर आ रहा है। शिकायत ये है, एक तो ही हम लोगों ने ये पुल जो है वो कार सेवा से बना है, ये पुल वैसे ही कमजोर है, ये डंपर खनन कर रहे हैं, अवैध खनन हो रहा है, ये अगर किसी का भी मान लीजिए खेत में से भी वो कर रहे हैं तो वो अपने रास्ते से करें, इस रास्ते से तो उत्तर प्रदेश से होके कर रहे हैं वो, तो ये गलत है, पुल वैसे कमजोर है हमारा,
और फिर हमारा गांव है, नदी के किनारे हैं, कल को कटान हुआ नदी सारा हमारा गांव चला जाएगा, हमारी सारी जमीनें आगे देखिए कितना नुकसान हो रखा है। उनको कहा कि ये डंपर यहाँ से किस माध्यम से चल रहे हैं, हमने ड्राइवर को रोका, गाड़ी रुकी, उनको पूछा भाई आपके पास परमिशन है, उसने कुछ नहीं किया, हमें संतुष्ट नहीं किया, इतनी देर में हमने कहा आप गाड़ी साइड में डालो, उससे कोई किसी तरह का कोई वस्तु नहीं की, भाईचारा के तौर पर पूछ रहे थे उसको, मगर इसने फोन किया तो ये लड़के आए दोनों जने, उन्होंने आके वीडियो बनाई क्लिपिंग की, कह रहा भी गाड़ी चलाओ, कुछ गाँव के लोग थे जिनकी जमीन के आगे से बिल्कुल खनन हो रहा है, ये यूपी और उत्तरांचल की सीमा विवाद है यहाँ पे, इस चक्कर में वहाँ पे कोई भी निर्णय नहीं हुआ, और उनको जब रोका गया तो उन्होंने कहा कि गाड़ी चलाओ, कुछ सूझवान आदमी तो उन्होंने कहा भी आप गाड़ी नहीं ले आ सकते ऐसे, तो उन्होंने कहा गाड़ी चढ़ा दो इनके ऊपर, और उसके बाद में फिर विवाद बढ़ गया, मतलब कुछ सूझवान आदमी थे उन्होंने अपने आप को रोका, कंट्रोल किया, उनको जाने दिया कि जाओ, उन्होंने बहुत धमकी दी कि आप यहाँ से निकल के दिखाओ, हम तुम्हें ये करेंगे वो करेंगे, गोली मारेंगे। खबर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से है, जहां नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाल रही है और कांग्रेस सरकार की कारगुजारी से तंग जनता उनसे हाथ जोड़कर बख्श देने की अपील कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जूनियर डॉक्टर पूरे प्रदेश में नियमित कर्मचारी हड़ताल पर है, वे नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, पूरा प्रदेश भूपेश बघेल की सरकार के खिलाफ है, इस बात के संकेत है कि कांग्रेस की विदाई तय है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस पार्टी द्वारा आज हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के लिए मुख्यमंत्री की उपस्थिति में बड़ी बैठक की जा रही है। छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस से हाथ जोड़ रही है कि हमको जल्दी से जल्दी भूपेश सरकार से मुक्ति मिल जाए, कांग्रेस सरकार से मुक्ति मिल जाए, इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता प्रेम पूर्वक कांग्रेस से हाथ जोड़ करके विनती कर रही है कि भैया छत्तीसगढ़ को छोड़ दो आप लोग। दूसरी बात, पूरे प्रदेश में हमारे जो जूनियर डॉक्टर हैं वो हड़ताल पर हैं, कांग्रेस सरकार के खिलाफ में, भूपेश सरकार के खिलाफ में, नियमितीकरण की मांग को लेकर अनियमित कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल पर हैं, लगातार छत्तीसगढ़ प्रदेश में भूपेश सरकार के खिलाफ जनाक्रोश बढ़ता जा रहा है और समाज के सभी वर्ग के लोग, सभी अधिकारी कर्मचारी निरंतर इस कुशासन के खिलाफ में हड़ताल के लिए। खबर आगरा से, जहां 4 दिवसीय देती सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन किया गया, बता दें इसके अंतर्गत G20 मैराथन को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। G20 मैराथन के साथ ही ड्यूटी सांसद खेल प्रतिस्पर्धा का शुभारंभ भी किया गया। इस बार कुल 34 गेम खेल स्पर्धा में शामिल होंगे, वे उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के लगभग 4,000 खिलाड़ी इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेंगे। आगरा लोकसभा की आयोजित की जा रही है, जिसकी शुरुआत आज एक सिंबोलिक मैराथन से सेंट जॉन्स कॉलेज से लेकर एथलेट स्टेडियम तक जाएंगे। इसमें आप देख रहे हैं संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं, इसमें खिलाड़ी हैं, शिक्षक हैं, चिकित्सक हैं, समाज सेवी संगठन है, आम जनता है, शहर के सेलिब्रिटीज है, आप देखिए पिछले समाज के लोग और रन फॉर G20 रखा गया है। जैसे ही स्टेडियम में पहुंचेंगे तो वहां पर 32 खेल होंगे, 200, 400 लॉन्ग जंप, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, इसके अलावा लॉन टेनिस टेबल टेनिस, जूडो, कराटे, ताइक्वांडो, रस्साकसी, कबड्डी, खो खो, इस प्रकार से और क्रॉस को एक नया खेल आया है। द्वितीय सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन गो सांसद खेल स्पर्धा, जिस स्पर्धा ने आगरा के जो छुपा हुआ आगरा का हुनर था, जो आगरा का जौहर था, जो आगरा का खेलने का जज्बा था, जिसको निकाल कर आज बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर खड़ा किया आदरणीय सांसद एसपी सिंह बघेल जी के नेतृत्व में द्वितीय सांसद खेल स्पर्धा। और हमारे लिए गौरव की बात है कि इस देश के बहुत बड़े शूटर, इस देश का भारत माता को गोल्ड मेडल दिलाने वाले आदरणीय राजवर्धन सिंह राठौर, जो सांसद भी है भारतीय जनता पार्टी के, आज हमारे समक्ष है। आगरा के यूथ को अभी वो संबोधित कर रहे हैं, हमारे लिए गौरव की बात है, निश्चित मानिएगा जब खेलेगा भारत। देखिए, वही अगली खबर इटावा से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार थाना भिटौली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें अवैध तमंचा सहित एक बाइक पर 2 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए, वही पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से अवैध हथियार भी बरामद किया है।
पुलिस ने मामले की कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। देखिए, जनपद में 14 तारीख को ज्वाइन किया था मैंने, और तब से मैंने आपको, आप पहले भी हमारे प्रेस के माध्यम से मैंने ये अवगत कराया था कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई होगी जनपद इटावा पुलिस की, वो जारी रहेगी बिल्कुल जो है। और उसी मद्देनज़र हमारी बिठौली थाने की पुलिस और हमारे जो SOG है, सर्विलांस की टीम है, मैंने लगा रखा था पूरी टीम के साथ। कुछ अभी सूचना मिलती है कि एक जगह मर्दानपुर पड़ती है बिठौली थाने में, वहाँ पर कुछ बदमाश आने की सूचना मोटरसाइकिल से आ रहे हैं। उसी परिदृश्य में जब चेकिंग चल रही थी तो उसमें जो है मर्दानपुर के आसपास, तो एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्रो काही कलर की थी, वो उस पर जब हमारी पुलिस ने इंटरसेप्ट किया उसको, तो व्यक्ति ने उन पर जो है फायर करने का प्रयास किया और उसी आधार पर जो है उसको पकड़ा गया। बाद में पूछताछ की गई उस पर, तो वो अंतर्राज्यीय गिरोह का एक व्यक्ति बताया गया और वो इंदौर जेल से। खबर इटावा से है, जहां सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पुलिस वैन ने एक कार को जोरदार टक्कर मार दी। इस दौरान हादसे में कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। वही घटना की सूचना पर पहुंची सिविल लाइन पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। मुरैना से आया आ रहा था मैं, जैनपुरी जा रहा, जैनपुरी काम से जा रहा था मैं, तो यहाँ से जब चौराहे से आए तो एक पुलिस वैन आई तो एक्सीडेंट करके वो चली गई। कौन सी वैन थी, कहाँ से कहाँ जा रही थी, ऐसा कुछ देखा आपने? ऐसा कोई दिशा में, क्या नाम है, इस साइड से आ रही थी, बस स्टैंड साइड। किस तरह की पुलिस जीप थी? एसी वाली जो गाड़ी लगी रहती ना बड़ी, वो जी 4-7 जैसी वो गाड़ी रहती है, वो बिल्कुल वो एसी के लिए गाड़ी। उन्होंने रोका नहीं गाड़ी को? उन्होंने मेरे पास भी आए थे और मुझसे थोड़े चिल्ला के, और कैसी गाड़ी तेज चलाते हो और ये वो उल्टे सीधे बुलवा के वो लोग चले गए। क्या उस वैन में फिलहाल में घटना के समय में कोई कैदी या बंदी? खबर बेतिया से है, जहां मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ योजना के माध्यम से 34वां भैरवगंज मुख्य सड़क से कोलाची तक जाने वाली सड़क में भारी अनियमितता बरती गई है, जो कार्य की समाप्ति के एक माह बाद ही रोड से गिट्टी बिखरना शुरू हो गया, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी रोष देखा गया। वहीं सड़क का निर्माण 88,63,000 रुपए में कराया गया है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि इस रोड कार्य में मानक पैमाने की धज्जियां उड़ाई गई हैं। साथ ही ठेकेदार नसीम के द्वारा बताया गया कि कुछ दबंग लोगों द्वारा शराब पीकर कार को बंद कराने के साथ पैसे की मांग की गई, जिसके कारण काम को बंद कर दिया गया और उच्च अधिकारी को इसकी सूचना दे दी गई। एक महीना से भी कम्बल गिर हुआ है, देख ले पूरा लात से उड़त जाता था रोड, आज जल्दी से टूटता है। एक सब काम घटिया से घटिया भइल बा, ऐसा काम ही भइल बा कि साफ उड़त जाता थे। कौन ठेकेदार बनवाया है? अब ठेकेदार का तो हमने नाम नहीं मालूम, लेकिन बगा के ठेकेदार हो गए जो है खलवा कोलाची होकर पुल से आपके, मतलब आपके जो है 1 किलोमीटर जो है अभी तक PCC का जो निर्माण करना था वो भी ठेकेदार द्वारा छोड़ के भाग गए हैं और JCB कर दिए हैं भाई, ढलाई नहीं किए हैं। बार बार हम लोग कह रहे हैं, समय भी उसका बीत गया बागी, काम अभी तक बाधित है। एक यहाँ रोड पर ग्रामीण किए हैं प्रदर्शन जी कि रोड सही नहीं है, उस पर क्या आपका? ना ना, एकदम गलत, जो अलकतरा का काम जो हुआ है एकदम गलत ढंग से हुआ है। PCC तो लगभग ठीक काम किए, अच्छा काम किए, मगर अलकतरा वाला काम बहुत घटिया सामग्री से। छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।